नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बॉलीवुड में आजकल एक से बढ़कर एक विलन की एंट्री हो रही है। अभी हाल ही में सनी देओल की फिल्म गदर 2 में मनीष वाधवा ने जिस तरीके से विलेन का किरदार निभाया था, उसे देख लोगों ने सनी देओल से भी ज़्यादा तारीफ की थी। और अब एक और नया विलन की बॉलीवुड में एंट्री हो चुकी है, जो एक नहीं बल्कि दो सुपरस्टार पर भारी पड़ रहा है। ये एक ऐसा विलन है जो सिर्फ अपने लुक से ही नहीं बल्कि अपने फिजिकल एक्सप्रेशन से भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर रहे हैं। वो कौन से नए विलेन हैं, आइए जानते हैं। दरअसल रणबीर कपूर की एक मूवी आ रही है जिसका नाम एनिमल है, और इस फिल्म को 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया जाएगा। अभी हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसे देखने के बाद सब लोग चौंक गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस फिल्म में दोस्तों बॉबी देओल ने जिस तरीके से विलेन का रोल किया है वो वाकई में दमदार है। ट्रेलर में कहीं भी बॉबी देओल ने एक डायलॉग तक नहीं बोला है, और वे सिर्फ अपने खूंखार लुक की वजह से लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और तो और खबरें आ रही है कि बॉबी देओल फिल्म में गूंगे विलन का रोल कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर में बॉबी देओल ने एक डायलॉग तक नहीं बोला है, जिसकी वजह से खबरें आ रही है कि फिल्म में बॉबी देओल गूंगे विलन का रोल कर रहे हैं, वो भी इतना दमदार जो देखने में काफ़ी मजा आने वाला है। दोस्तों ट्रेलर में दोस्तों किस तरीके से बॉबी देओल ने रणबीर कपूर को धोया है, और अंत में एक सीन है रणबीर कपूर के ऊपर बॉबी देओल लेट जाते हैं और उनके ऊपर सिगरेट का एक कश लगाते हैं, जो देखने में काफ़ी लाजवाब है। खैर, आपको क्या लगता है, बॉबी देओल वाकई में फिल्म में गूंगे विलन का किरदार निभा रहे हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बॉलीवुड न्यूज़, गॉसिप और फिल्म रिव्यू से जुड़ी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।